दरअसल पूरी घटना थाना बन्ना देवी क्षेत्र के उदलाई राजपुर की है, जहां बुधवार की देर रात खाना गिर जाने के कारण दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से महिला और बच्चों समेत 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस के द्वारा मेडिकल परीक्षण व उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेज दिया गया और मामले में दोनों पक्षों की ओर से तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं मामले में जानकारी देते हुए घायल युवक फरमान ने बताया कि वह उदला मीट फैक्ट्री में काम करता है। जब वह फैक्ट्री से काम खत्म करके घर जा रहा था, तभी उसके हाथ से दूसरे युवक का खाने का टिफिन गिर गया, जिसमें रखा खाना जमीन पर फैल गया। इसी के चलते दोनों लोगों में गाली गलौज शुरू हो गई, जिसके बाद दूसरे युवक के द्वारा यह जानकारी अपने अन्य साथियों को दी गई, जिसके उपरांत 30 से 40 लोग उसको मारपीट करने के मकसद से रास्ते में खड़े हो गए। इसी दौरान उसके द्वारा भी जानकारी अपने लोगों को दे दी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके चलते दोनों ओर से दो महिलाएं, एक बच्चा और 14 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसके द्वारा लगातार इलाका पुलिस को फोन किया गया और झगड़े की जानकारी देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उसका फोन नहीं उठाया गया और पुलिस लगभग 1 से 1.5 घंटा बाद मौके पर पहुंची। तब तक दोनों ओर काफी लोग घायल हो चुके थे। भाई ने बताया कि उसकी ओर से फुरकान, जुबैर, भूरा, इमरान, इमामुद्दीन, शाहरुख, शाकिर, समीना, बानो और अन्य लोग घायल हुए हैं। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर फारूक अंसारी के द्वारा बताया गया कि मारपीट में कुछ लोग घायल अवस्था में उपचार के लिए पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल लाए गए थे, जिसमें 2 लोगों को गंभीर हालत के चलते जीएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया और 4 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में ही भर्ती करा दिया गया है, जबकि अन्य लोगों का उपचार किया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? फरमान। फरमान। फरमान कहाँ पे रहते हो? उदला थाना बन्ना देवी। अच्छा, ये कैसे घायल हुए आप सब लोग? चाकू से। किसने चाकू से कैसे घायल हुए? चाकू मारी भी ने लड़ाई में। किसने, कहाँ पर झगड़ा हुआ है? कंपनी से बाहर। किसके, किससे झगड़ा हुआ है ये? अरबाज के घर वाले से। अरबाज से झगड़े की जो वही थी, हम कंपनी में से आ रहे थे निकल के, कीमा का डुब्बा फैल गया, कीमे का डुब्बा फैल गया था। अच्छा भाई, बात पे मुंहचोदी हो गई, मारम पीट हो गई, कंपनी के बाहर लड़ाई हुई मारी। क्या चीज मारी आप लोगों ने? ये चाकू मारी है। कितने लोग घायल हुए आप लोग? 11। उधर से भी घायल हैं? पलंग से 3। किस किस के चोट है? क्या क्या नाम है? फुरकान, जुबैर, भूरा, इमरान, महमुद्दीन और शाहरुख, अरमान, साकिर। महिला भी घायल हैं? 2 महिला हैं। क्या नाम है महिलाओं का? बानो। एक समीना बानो। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में कर दी है? कर दिया। क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान कहाँ के रहने वाले हो? थाना बन्ना देवी। अच्छा, ये चोटे कैसे आई हैं आप लोगों के? चोटे वैसे मुंहचोदी हुई थी, अब मुंहचोदी में उनने 2-4 जने उनके हो गए थे, हम तो भाई थे, काम कर रहे थे, काम करते करते में उनने काक में हाथ दफाई कर दी। किसने कर दी? उनने काक में हासिम ने और उसने और काक में 2-4 जने और थी, ये इनने वहाँ पीटे फिर डंडा फंडा सब मही मारे थे उनने, सब काका में ये मुँह भी मही फोड़ दिया हमारा सब उनने। फिर उसके बाद में इनने वहाँ से बंद हो गई थी, उसके बाद में बाहर आ गए गेट पे मारे, फिर गेट पे कम से कम 50-60 आदमी थे पूरे घर के, इनके पूरा खानदान के। हम 5 भाई थे, जब तक 5 भाई आए, हम 5 भैया थे और 5 में इनने खूब बढ़िया तरीके से कुटाई करी है इनने। क्यों, वजह क्या थी झगड़े की? वजह कुछ नहीं थी, खाली बस मुंहचोदी हो गई थी आपस में गाड़ी के पीछे। कहाँ पर? कंपनी में। कौन सी कंपनी है? किस लिया आपको? तो कंपनी के अंदर झगड़ा हुआ ये? जी, कंपनी के अंदर ही झगड़ा हुआ था तो, और उसकी वजह से फिर उस गांव में मीटिंग बनाई है, फिर उसके बाद में गांव में पथराव करा इन्होंने खूब दबा कर। कितनी देर पथराव रहा होगा? कम से कम 2 घंटा तो, और पुलिस को कॉल कर रहे, पुलिस भी नहीं आई है 1.5 घंटा से कॉल कर रहे, पुलिस बिल्कुल भी नहीं आई है, मौजूद बिल्कुल भी। आप लोग घंटा के बाद में पथराव बंद होगा जब पुलिस आई है। कितनी लोग घायल हुए हैं आप लोग? हम कम से कम 5 घायल है, अब्बू की हमारे की टांग टूट गई है और छोटे वाले के सिर फूट गया और काका में। क्या नाम क्या है आप लोगों के परिवार? हमारे अब्बू का नाम है असरार और काका में छोटे वाले का नाम है अरबाज खान और फिरोज खान, फैजान वैसे हम इनके छोटे। इसमें महिला भी घायल हुई है? हाँ, महिला भी घायल हुई है, हमारी मामी भुरिया हैं, भुरिया और काका में लड़की है, काका में नीहा, उसके पोलू पे। क्या नाम है तुम्हारा? फिरोज खान। फिरोज कहाँ के रहने वाले हो? उदला लियासपुर। थाना
वरना देवी। अच्छा ये कैसे छोटा हुआ? ये कंपनी में लाइन में लड़ाई हो गई थी। क्यों, वजह क्या थी लड़ाई की? ये मेरे भाइयों को मार रहे थे, मैं गया तो ये मुझ पर फैल पड़े। कौन लोग थे जो मारे पीटे? एक मुस्तकिम था, एक हाजी राजू और एक था साजू, एक नवाब। तो झगड़े की वजह क्या थी? एक इमरान था। झगड़े की वजह क्या थी? ये काम के पीछे लेकर लड़ाई हुई थी इनमें। क्या ये अगर कोई वारदात हुई होगी मुझे तो खैर इतना पता नहीं है, फिर भी मैं बाद में गया था। तो ये फैक्ट्री के अंदर लड़ाई हुई थी? हाँ फैक्ट्री के अंदर हुई थी। हम अपने भाई को फैक्ट्री से लेकर आ रहे थे तो उनने बाहर पकड़ा, घेर कर मारा हम सबको। कितने लोग होंगे मारने वाले? कम से कम 40-45 लोग थे। किसी को जानते हो? हाँ। ये किस चीज से मारा है आप लोगों को? मेरे मारे पीछे बट मारी है उसने मुस्तकिम ने। पथराव वगैरह भी हुआ है? हाँ ईट पथराव वगैरह हुआ है, घर पर हुआ पथराव। कितनी देर पथराव रहे हो? कम से कम पथराव हुआ 2 घंटे। और पुलिस को फोन लगाया, कम से कम 20 कॉल लगाए, पुलिस भी लेट नहीं पहुंची अभी। अच्छा इसका कोई वीडियो भी है? हाँ वीडियो है, मेरे भैया पे है, वो आपको दी थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाब। नवाब ये कहाँ के रहने वाले हो? इलियासपुर उदला। ये झगड़ा कहाँ पे हुआ है? जे सर फैक्ट्री में हुआ था, उदला मीट फैक्ट्री है, वहाँ पर झगड़ा हुआ था। वहाँ बड़े लोगों ने समझौता करा दिया, फिर इनने घर पे आन के पथराव करा, फिर चाकू चले, बहुत चोटे आई हैं साहब। एक लड़के तो जांग में चाकू घुसेड़ी, 3 एक जहाँ पे घुसेड़ा चाकू। तो कितने लोग घायल हुए? हमारी तरफ से 10 घायल हुए हैं सर, उधर 3 लड़के घायल हुए हैं। इसकी सूचना आपने पुलिस में कर दी? जी साहब पुलिस में कर दीजिए। पथराव वगैरह भी हुआ? पथराव हुआ, पूरी गली भरी हुई थी, दरोगा जी गए थे, उनने खुद वीडियो बनाई है, हमारे घर के सामने बहुत पूरी गली भरी हुई थी पत्थरों से। कोई फायर वगैरह भी हुआ? नहीं फायर कुछ नहीं हुआ। तो इसकी सूचना आपने पुलिस में कर दी है? जी जी जी। कहाँ पर हो इस वक्त? इस टाइम मलखान सिंह में, इमरजेंसी पर। छुरी चाकू सब चले? सब